नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा का बिहार में खासा महत्व है। इस दिन को देश भर में हिंदू धर्म के लोग शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं, मगर बिहार में खास करके मिथिलांचल में यह दिन कोजागरी पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागरी व्रत को लेकर काफी कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि पंचांग में पूर्णिमा के आरंभ और खत्म होने की तारीख इस तरह से है जैसे कि यह कई जगहों पर अलग अलग दिनों में मनाया जाएगा। फिर भी हम आपको बता दें कि कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागरी की रात 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। हालांकि पंचांग में भेद होने के कारण कुछ जगहों पर पूर्णिमा व्रत 20 अक्टूबर को भी रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर मंगलवार शाम 7 बजे से होगा, वहीं शरद पूर्णिमा तिथि का समापन 20 अक्टूबर की रात 8:20 पर होगी। ज्योतिष के अनुसार कोजागरी की रात में चंद्रमा 16 कलाओं को पूरी कर लेती है और संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण आसमान में जगमगाती है, इसलिए चंद्रमा से निकलने वाली किरणों को अमृत के समान माना जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा कोजागरी व्रत माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और इस रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। धर्म के मुताबिक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कोजागरी व्रत रखा जाता है और साफ सफाई के साथ घर में मीठे सफेद रंग के पकवान बनाए जाते हैं। इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलती है, इसलिए यह रात माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास मानी जाती है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत तीनों आपस में भाई बहन हैं। एक ही दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की उत्पत्ति सागर से हुई है, इसलिए इस रात तीनों का एक बार फिर से मिलन आता है। रिवाज के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात में दूध से बने खीर का भोग भगवान को लगाया जाता है और रात में खीर से भरे बर्तन को खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में रख दिया जाता है, जिसके बाद उसे दूसरे दिन प्रसाद के रूप में खुद भी खाया जाता है और दूसरों को भी दिया जाता है। इस खीर को अमृत से भरपूर माना जाता है। हालांकि शरद पूर्णिमा के वैज्ञानिक कारण भी इस दिन को बेहद खास बनाते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिस कारण से चंद्रमा की किरणों जो कि औषधीय गुणों से युक्त होती है उनके पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। अब आपको बताते हैं कि इस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इस दिन महालक्ष्मी की पूजन करने के लिए घी के दिए जलाए जाने चाहिए। घर में रात्रि जागरण करने से भी माँ की कृपा बरसती है। शरद पूर्णिमा की रात चांद को अर्घ देकर ही खाना खाने चाहिए। वहीं इस दिन दान दक्षिणा को भी शुभ माना गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।